स्टूडेंट्स, वेलकम टू जय भवानी साइंस स्कूल ई क्लासेस एंड आई एम डॉक्टर जीरेन जाधव। टुडे वी विल गो फॉर सेकंड लेक्चर ऑफ आवर फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो दूसरे लेक्चर में जाने से पहले आज हम थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, उसके बाद थोड़ी ब्रीफ की थी हिस्ट्री के बारे में, एरिस्टोटल, गैलन, डार्विन, कुछ इंडियन साइंटिस्ट के बारे में। उसके बाद हमने ब्रांचेस पढ़े थे बायोलॉजी के, बॉटनी और जूलॉजी, उसके अंदर में कौन से ब्रांचेस आते हैं वो देखा था। फिर हमने सिलेबस का ब्रीफिंग किया था कि 500 यूनिट में जो 5 यूनिट्स ऑफ आवर सिलेबस है उसमें से कौन से यूनिट में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद थोड़े ब्रीफली हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हमने एक साइंटिस्ट को पढ़ा था जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर, आपको उन्हें पता होगा। फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जो पढ़नी थी फर्स्ट लेक्चर में वो थे व्हाट आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, कि लिविंग हम पक्का बोल ही सकते हैं कि ये चीज़ जीवित है या फिर लिविंग है, उसके जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या थे। और लास्ट में हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो हम वहीं से शुरू करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड से। तो इसमें हमने पहले तो देख चुके हैं ऑलरेडी, और फिर से मैं आज बता दूं आपको कि द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंजेस बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख स्पीसीज है इस दुनिया में। हम कितने को जानते हैं, बहुत ही कम को। तो इसी सब चीज़ों को हमें आगे और डीप में पढ़ना है। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो इससे हम पता चलता है कि कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इस अर्थ पे। We should remember that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. जैसे जैसे हम नए नए areas देखते हैं, कुछ जैसे हम समुद्र में कुछ deep तक गए हैं, वहाँ तक के organism को हमने पढ़ा है, फिर उसके deep और जाएंगे तो और organisms मिलेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे tool आए हैं, जैसे आज की date में हमारे पास electronic microscope है। तो electronic microscope से हम बहुत छोटे से छोटी bacteria, virus, हर चीज़ देख सकते हैं। तो इसमें और हम जैसे जैसे नए नए टूल आएंगे, नए टूल्स का इन्वेंशन होगा और नए नए स्पीसीज मिलेंगे। हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। तो मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या है, कि देर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम। मतलब एक हमें स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए, जिससे कि पूरी दुनिया में हम उस ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही नाम से जानेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर के साथ आगे हमने क्या पढ़ा था कि नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। मतलब उस ऑर्गेनिज्म को हमने पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, वो हमने अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया, तो हम कैसे उसको नाम देंगे। तो वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए या तो फिर नाम देने के लिए सबसे पहले उसके आइडेंटिफिकेशन के फीचर्स हमें पता होने चाहिए। उसकी की क्या क्या है, इसमें कौन से आइडेंटिफिकेशन फीचर होंगे, तभी जाके हम उसको ये पर्टिकुलर नाम देंगे। तो फिर मैंने आपको बताया था कि ICBN, ICZN, ये दोनों क्या है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो हमें ये बहुत ही खास ये याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है और इसकी इंपॉर्टेंस भी दोनों की खास याद रखनी है। तो इनका फुल फॉर्म क्या है, ICBN का इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और ICZN का इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे हम ये कोड बना हुआ है, कोड मतलब एक एथिक दिया हुआ कि इसी के हिसाब से किसी का भी नामकरण करना है। कोई भी नया ऑर्गेनिज्म है उसको नाम देने के लिए आपको ये पर्टिकुलर जो कोड है इसको फॉलो करना है, ये पर्टिकुलर बुक या एथिक है उसको आपको फॉलो करना है। तो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ये ICBN और ICZN में जो प्रिंसिपल्स दिए हैं ना, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, उसी को फॉलो करके बायोलॉजिस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब हर एक जो नाम है ना उसके दो कंपोनेंट्स है, दो भाग है, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक epithet. This system of providing a name with two component is called binomial nomenclature. तो ये जो word है ना आपको binomial nomenclature, ये भी अच्छी तरह से याद रखना है। binomial क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें दो components है, generic name भी है और specific
एपिथेट भी है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनेयस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इनमें से आप आपको कैरोलस लिनेयस इसका नाम भी बहुत याद रखना है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक 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 प्लांट हो या फिर एनिमल, उन सबको एक बाइनोमियल नेम दिया था। और ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि ये बाइनोमियल नेम का बेनिफिट्स क्या है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मैंगो, तो मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा है वो उसका जेनेरिक नेम है और इंडिका है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीसीज और जेनेरिक नेम मतलब जीनस। अब आज का लेक्चर की जो हमें कुछ सब कुछ नया आ रहा है वो आज इस स्लाइड से हम सब कुछ नया पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि अदर यूनिवर्सल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, अगर किसी को नाम देना है तो जो ICZN और ICBN ने कौन से रूल्स दिए हैं, तो ये जो रूल्स है वो ब्रीफली हम पढ़ेंगे। रूल्स तो बहुत सारे हैं, बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में ICZN और ICBN ने दिया हुआ है, मगर हम उसको ब्रीफली 11 साइंस के मुताबिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। मतलब लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, लैटिन, और लिखेंगे कैसे, इटैलिक्स में। इटैलिक्स मतलब ऐसे क्रॉस वर्ड्स होंगे। तो ये तो बात रही जो लैंग्वेज में बता दूं आपको कि लैटिन, तो लैटिन भी हमने जो बताया था ना मैंने आपको कि ग्रीक जैसे एक डेड लैंग्वेज है, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर में उसका यूज होता है, तो ऐसे लैटिन भी एक डेड लैंग्वेज है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम, अगर स्पेसिफिक एक ऑर्गेनिज्म का नाम ही रखना है ना, तो उसमें ग्रीक यूज नहीं होती, उसमें सिर्फ होती है लैटिन। और कैसे लिखेंगे, इटैलिक्स में, मतलब ऐसे क्रॉस वर्ड्स में हम इसको लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है व्हाइल हैंड रिटन इट शुड बी अंडरलाइन। तो ये तो हो गया जो हमने टाइप करेंगे ना तो वो इटैलिक्स में होगा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा करके लिखेंगे। मगर जब हैंड रिटन होगा, हम हाथ से लिखेंगे तो क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये हाईलाइट होना चाहिए ना, तो उसके नीचे हम करेंगे अंडरलाइन, किसी भी वर्ड के नीचे या फिर किसी भी नाम के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। अब दूसरे तीसरे रूल पे चलते हैं, तो जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। तो कोई भी जीनस होगा ना उसको हम पहले कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे कोई भी नाम, अगर यहाँ लैटिन नाम का कोई जीनस है तो उसमें हम पहले लिखेंगे ये जो एल होगा वो कैपिटल होगा, एंड ऑल द मतलब ऑल अदर लेटर्स है ना वो स्मॉल रहेंगे, और उसमें जो एपिथेट था ना स्पीसीज वो स्मॉल लेटर में रहेगा। जैसे मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा में एम हम देख रहे हैं कैपिटल है, फिर सारे स्मॉल लेटर है जो जीनस है, और स्पीसीज में सारे के सारे स्मॉल लेटर है जो कि स्पीसीज है, ठीक है। नेम ऑफ द ऑथर अपियर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म, एग्जाम्पल मेंजीफेरा इंडिका लिन। तो यहाँ लिन क्या है, LINN, लिनेयस, जो जो मेंजीफेरा इंडिका जो नाम दिया था ना, जो आम है मैंगो को जिसने नाम दिया था वो थे लिनेयस। क्या हमने जो पढ़ा था ना कि जो अभी इसके आगे वाली स्लाइड में आपको लिनेयस के बारे में बताया कि जो बाइनोमियल सिस्टम है, बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम है, वो लिनेयस ने ही इन्वेंट की थी। तो जो इनका नाम, अगर साइंटिस्ट का नाम पीछे लिखना है तो साइंटिस्ट का नाम इसे एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। एब्रीविएटेड फॉर्म मतलब खाली शॉर्ट फॉर्म, पूरा लिनेयस नहीं लिखेंगे, खाली जो आगे के चार वर्ड्स है ना वो लिख के आगे नोट कर देंगे। तो ये है सिंपल रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर। अब इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है कि एग्जाम्पल्स टू राइट बायोलॉजिकल नेम, तो लायन के बारे में मैंने पहले एग्जाम्पल दिया है कि लायन पेंथेरा लियो, तो मैंने इटैलिक में लिखा है, जो पेंथेरा है वो जीनस है, लियो है वो स्पीसीज है, तो ये पूरा इटैलिक में लिखा हुआ है, क्रॉस वर्ड से। पेंथेरा में जो फर्स्ट पी है, जीनस का जो पहला वर्ड है, उसको मैंने कैपिटल किया हुआ है, बाकी सब स्मॉल है। फिर मैंगो का एग्जाम्पल दिया है कि मेंजीफेरा इंडिका लिनेयस, लिन, इसको हम लिन ही बोलेंगे, और इसमें भी पहला वर्ड कैपिटल, पूरा स्मॉल है, और जब बात आती है कि साइंटिस्ट का नाम लिखने की तो उसका पहला वर्ड कैपिटल और एब्रीविएटेड फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखेंगे। और इफ हैंड रिटन देन, तो अगर हाथ से लिखा हुआ है तो पहला एम कैपिटल, फिर मेंजीफेरा इंडिका लिनेयस, ये पूरा जो हमने इसी स्टाइल में लिखना है। और अगर हाथ से लिखा हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें क्या नहीं भूलना है कि जो नीचे अंडरलाइन होती है ना इसको नहीं भूलना। अगर आप हाथ से लिखते हो और अगर अंडरलाइन नहीं लिखा हुआ है, अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, तो वो आपका रॉन्ग है, तो उसको गलत कह सकते हैं। अब बीच में आपको एक आउट ऑफ द सिलेबस में वर्ड बता दूं, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी है ना, पूरे चैप्टर में टैक्सोन, टैक्सोनॉमी, टैक्सोन, टैक्सोनॉमी, ये सब बहुत पढ़ने वाले। तो इसके लिए मैंने आपको ब्रीफिंग देना है मुझे टैक्सोनॉमी के बारे में। ये आपकी बुक में नहीं है, मगर ये टैक्सोन वर्ड कहाँ से आया, टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोन टैक्सोन बोलते रहते हैं बायोलॉजिस्ट, चीज क्या है। तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड था ना, फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने इनका नाम दिया था, तो इसलिए फ्रेंच वर्ड है। टैक्सोनॉमी इज द साइंटिस्ट
Science of naming, describing and classifying organism and includes all plants, animals and microorganism of the world. मतलब जो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन है ना दुनिया के सारे कोई भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं. द वर्ड मीनिंग ऑफ ग्रीक वर्ड्स टैक्सिस एंड नोमिया. टैक्सिस टैक्सिस और नोमिया ये दोनों ग्रीक वर्ड है, मगर जो फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इस वर्ड को ओरिजिन किया या फिर उनको इन्वेंट किया, इसीलिए उनको टैक्सोनॉमी जो फ्रेंच वर्ड बोला जाता है. टैक्सिस का मतलब क्या है? अरेंजमेंट, और नोमिया मतलब डिस्ट्रीब्यूशन. तो अरेंजमेंट क्या है? कौन से ऑर्डर में, कौन से क्लास में ये पर्टिकुलर टैक्सा देखा जाता है, वैसे अरेंजमेंट करके इसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसको टैक्सोनॉमी बोला जाता है. फिर आते हैं हम क्लासिफिकेशन पे. तो अब पढ़ेंगे डिटेल क्लासिफिकेशन क्या है क्या नहीं. तो जो पहले तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हमें पढ़नी पड़ेगी. तो डेफिनेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसको तीन पार्ट में डिफाइनेशन को हमने डिवाइड किया है. ये जो प्रोसेस है वो क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस. तो ये क्या है? कोई थीसिस नहीं, ये एक प्रोसेस है बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी. और क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? तो किसी भी चीज के, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक कन्वीनियंट कैटेगरी में डालने के लिए करते हैं. उसको एक अच्छी तरह से उसके हिसाब की कैटेगरी में रखने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं. बेस्ड ऑन, और किस पे बेस्ड है, किस तरह से हम करते हैं? बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. मतलब जो उनके आसान से हम पहचानने में आ जाए, ऐसे कैरेक्टर्स को लेके जो प्रोसेस है उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं. तो पूरा डेफिनेशन क्या होगा? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एनिमल्स, फिशेस, ट्रीज, प्लांट्स एक्सेट्रा. तो मतलब ये जो चार पैर है पूरा दौड़ रहा है जमीन पे, तो एनिमल हो गया. ये तो मैंने इजीली, मतलब बहुत ही इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आपने बोल मैंने बता दिया. मगर फिर भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स, सब जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है उनको हम साइड में करके एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन करेंगे. तो साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा. मतलब जैसे हम कोई क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन तो एक पूरा अलग अलग बहुत सारे स्टेजेस पे क्लासिफिकेशन होगा. तो पर्टिकुलर स्टेज पे जो पर्टिकुलर कैरेक्टर हम यूज करेंगे उसको टैक्सा बोलेंगे. हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी. तो हम अलग अलग लेवल पे अलग अलग टैक्सा लेंगे, वो अलग अलग टैक्सा के हिसाब से उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे, अलग अलग लेवल्स बनाएंगे. तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी. अब इसके कुछ और टैक्सोनॉमी के बेसिक प्रोसेसेस बताए गए हैं, जैसे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी. तो मतलब किसी भी चीज़ की टैक्सोनॉमी देखने के लिए उसमें कुछ चीज़ें चार है ना, ये चार चीज़ें तो होनी चाहिए. उसका कैरेक्टराइजेशन क्या है, क्या क्या कैरेक्टर्स है, उसके क्या क्या फीचर्स है. आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम. क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से ऑर्डर में या फैमिली में आएगा. फिर नोमेनक्लेचर, उसको एक नाम देते हैं, तब जाके पूरा टैक्सोनॉमी कंप्लीट होता है. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversities, but also the relationships among them. This branch of study was referred to as systematics. मतलब human being को खाली इतना ही नहीं देखना है, या फिर इतना देखने में ही वो interested नहीं है कौन सा organism कहाँ रहता है, मगर उन दो जो अलग अलग जीव है, अलग अलग organism है, उनके बीच में relationships क्या है, ये भी ह्यूमंस जो है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है. और यही जो पढ़ाई की जो ब्रांच है, यही जो स्टडी की ब्रांच है, उसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक्स. अब इसके सिस्टमेटिक्स के बारे में मैंने ब्रीफली एक अलग आपको इसका डेफिनेशन दिया है कि बायोलॉजिकल सिस्टम इज द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट एंड द रिलेशनशिप एमोंग द लिविंग थिंग्स थ्रू टाइम. मतलब ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑलरेडी कि स्टडी ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट. मतलब ह्यूमन और एप को ले लो, या फिर ह्यूमन और मंकी को ले लो, तो हम दोनों धीरे धीरे इवोल्व होके वो मंकी तक पहुंचे और हम ह्यूमन तक पहुंचे, मगर हमारा इवोल्यूशन एक सेम टाइम से हुआ है. तो ये हमारे बीच में रिलेशन क्या है, एक मंकी और ह्यूमन के बीच में रिलेशन क्या है, ये सब जो पढ़ते हैं ना वो सिस्टमेटिक्स है. फिर आता है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन.
तो इसमें क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। मतलब टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये कोई सिंगल स्टेप नहीं है कि भाई चलो इसको क्लासिफाई कर दिया एक सिंगल स्टेप पे ये हो गया, ऐसा नहीं है। वो एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है, उसकी हायरार्की है। हायरार्की पता है ना आपको, हायरार्की वैसे उसका वर्ड मीनिंग होता है आनुवंशिकता, जैसे ऊपर से लेके नीचे ऑर्डर कैसे आते हैं। तो ये जो टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन रहता है ना, ये एक ऑर्डर में है, वन बाय वन इसके अलग अलग स्टेप्स आते हैं, उसके हिसाब से उसके रैंक दिए जाते हैं, और रैंक के हिसाब से कैटेगरी है, तो कैटेगरी वाइज उनके रैंक से पूरा टेक्सोनॉमिक हायरार्की है। अब सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये जो मैंने चीज आपको एक्सप्लेन की, वही की वही चीज यहीं पे बोली गई है। ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक कैटेगरी में एक अलग क्लासिफिकेशन है, उस कैटेगरी में उसको एंटर करने से, मतलब कि अगर पेंथेरा लियो है तो लियो में जो स्पीसीज लियो है तो उसके स्पेसिफिक कैटेगरी रह गए, अगर अगर जीनस ले लो पेंथेरा तो उसमें तो फिर टाइगर भी आएगा और लायन भी आएगा, तो उसके कुछ अलग टैक्सन्स रहेंगे, उसके अलग है अलग कुछ टैक्सा कुछ कैरेक्टर्स रहेंगे, उसी को हम कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सन, उसी को हम बोलेंगे टैक्सन। जैसे स्पीसीज के लिए अलग टैक्सन रहेंगे, जीनस के लिए अलग, फैमिली के लिए अलग। जैसे जैसे हम आगे ये पढ़ेंगे ना, ये आपको डीपली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक मैंने एक इमेज दे रखी है, इस इमेज से आप आराम से समझ सकते हैं कि जो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है क्या। तो सबसे पहले अगर सपोज एक मान लो आप एक जंगल में जा रहे थे, तो वहां पे आपको एक मिला ऑर्गेनिज्म, ये वाला ये ऑर्गेनिज्म मिला आपके सामने देख रहा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन से डोमेन का है, यूकारिया का है या प्रोकारिया का है। तो यूकारिया ही होगा क्योंकि प्रोकारिया तो बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो अब यूकारिया हो गया। तो फिर अब ये कौन से किंगडम का होगा, तो किंगडम कौन सी होगी, एनिमलिया होगी, प्लांटे होगी, या फिर बैक्टीरिया होगी, वायरसेस या फंगस या कौन सी होगी। तो ये तो एक एनिमल ही है, प्लांट तो है नहीं, ठीक है, इतना बड़ा इसके जो जो नाक मुंह सब देख के पता चलता है कि ये तो एक एनिमल है, ठीक है। तो हमने इसको डाल दिया एनिमलिया किंगडम में। अब एनिमलिया किंगडम में तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे अर्थवर्म भी है और एलिफेंट भी है, तो सारे जो एनिमल वाले जो एनिमलिया वाले जो किंगडम में जितने भी है ना ऑर्गेनिज्म, वो सारे हमने स्टडी कर लिए। तो इसमें हमने एक अलग चीज़ देखी कि ये तो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा मतलब इसके पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, इसका जो ब्रेन है यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड होके इसके बैक तक जाता है। तो आप देखेंगे, चलो पता चला कि ये कॉर्डेटा है, ये कॉर्डेटा वाले फाइलम में आता है। तो कॉर्डेटा फाइलम में और कौन से है, तो उसमें तो एनिमल्स भी है, बर्ड्स भी है, रेप्टाइल्स भी और फिशेस भी है, सारे कॉर्डेटा है। तो आप और सोच लिया कि इसमें अब क्या है, तो इसके और हम डीप से स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि ये तो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, तो ये कौन से क्लास में आएगा, मेमालिया में। तो क्लास कौन सा होगा, मेमालिया। तो पहले डोमेन यूकारिया था, किंगडम एनिमलिया था, फाइलम कॉर्डेटा था और क्लास मेमालिया है। तो मेमालिया क्लास में, तो मेमालिया क्लास में और तो बहुत सारे, जैसे ह्यूमंस भी आते हैं, एप्स भी आते हैं, एलिफेंट भी है, लायन भी है, और बहुत सारे हैं जो भी अपने बच्चों को दूध पिला के बड़े करते हैं ना, उसको वो सारे मेमालिया क्लास में ही आते हैं। तो अब हमने देखा कि ये तो मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन है ये, तो इसके दांत, इसके जबड़े का प्रकार जो एनाटॉमी है वो देख के हम पता चलता है कि ये तो कार्निवरस है। तो इसका एक ऑर्डर बन गया कार्निवोरा। तो कार्निवोरा ऑर्डर में और कौन से है, लायन है, वुल्फ है, हाइना है, पांडा है। तो कार्निवोरा में भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो और कौन सा है, तो किसकी तरह दिखता है, कैट की तरह दिखता है, डॉग की तरह दिखता है। तो कैट की तरह नहीं दिखता, ये डॉग की तरह दिखता है। तो डॉग वाली जो फैमिली है उसमें हम ले जाएंगे, तो डॉग वाली फैमिली में आएगा वो है कैनिडे फैमिली। अब कैनिडे फैमिली में तो और भी रहेंगे, फॉक्सेस रहेंगे, वुल्व्स रहेंगे, जैकल्स रहेंगे। तो अब उसमें हमने देखा कि जैकल्स और वोल्स और फॉक्सेस से ये सब थोड़ा अलग दिख रहा है, कैसे, ये फॉक्स है, इसका तो जीनस वल्पस के अंदर आएगा। तो सारे फॉक्सेस है वो कौन से जीनस में आते हैं, वल्पिस के अंदर। और फॉक्सेस भी देख लो 10-12 प्रकार के हैं, ठीक है। तो इसमें से स्पेसिफिक ये कौन सा फॉक्स है, तो कलर के ऊपर जाएंगे तो यार रेड फॉक्स है, मतलब वल्पिस वल्पिस, रेड फॉक्स को एक स्पेसिफिकली स्पीसीज दिया गया है वल्पिस, और उसका जो जीनस है वो भी नाम है वल्पिस। डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, ये सब डिटेल स्टेज बाय स्टेज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। जैसे किसी कोई भी ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, ग्रुप है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का कोई ग्रुप है, तो उसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज रहेंगे ना, तो वो सारे स्पीसीज कहेंगे। फंडामेंटल सिमिलरिटीज क्या रहेंगे कि मतलब सेम टू सेम होना, जैसे एक लायन का या फिर एलिफेंट का ग्रुप ले लो, तो एलिफेंट के ग्रुप में सारे एलिफेंट ही रहेंगे, तो
तो ये एलिफेंट है वो स्पीसीज है बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, मतलब उसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स सेम टू सेम रहेंगे। इसी प्रकार का जो पत्ता होगा तो यही ये नीम कहलाएगा, इसी प्रकार का जो फ्रूट रहेगा तो ही वो आम कहलाएगा। जो डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर रहेगा ना, उसी के हिसाब से हम करेंगे स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट। अब इसमें एक और हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है कि इंटरब्रीडिंग, जो स्पीसीज है ना वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। अब इसका पूरा सेंटेंस बताता हूँ आपको। अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स और इंटरब्रीडिंग, मतलब एक ही स्पीसीज इंटरब्रीड करके दूसरे स्पीसीज को जन्म देगी। जैसे दो लायन है, एक लायन है एक लायनेस है, दोनों मिलके एक कब को जन्म देंगे, तो ये इंटरब्रीडिंग हुआ। अब लायन और टाइगर के बीच में ये नहीं हो सकता, वो लाइगर जो बना है वो पूरा एक एक्सेप्शन है, और वो फिर से ब्रीडिंग कर सकता है कि नहीं उसका कोई मतलब प्रूफ नहीं है। तो जो इंटरब्रीडिंग मतलब पर्टिकुलर दो स्पीसीज के बीच में ही तय होगा, जैसे लायन का लायन के बीच में, टाइगर का टाइगर के बीच में, एलिफेंट का एलिफेंट के बीच में नए संतान को ऐसे ही वो जन्म देगी। अब मैंने ये जो टेबल्स बहुत सारे, हर एक स्टेज के बाद मैंने एक टेबल देखा है, तो इस टेबल आपके पास सिर्फ समझने के लिए, स्पीसीज क्या है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स विच आर एबल टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब इंटरब्रीड करके अपने जैसा ही एक इंडिविजुअल संतान को जन्म देंगे। अब उसमें फिर एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल है कि जैसे सोलेनम नाइग्रम मतलब ब्रिंजल, और सोलेनम ट्यूबरजम मतलब पोटेटो। तो इसमें जो नाइग्रम और ट्यूबरजम है ये दोनों स्पीसीज है, और सोलेनम है वो जीनस है, मतलब सोलेनम जीनस के अंदर ही ब्रिंजल और पोटेटो दोनों ही सोलेनम जीनस के अंदर ही आएंगे। सेम एनिमल्स में मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि पेंथेरा लियो और पेंथेरा टाइग्रिस है, तो इसमें जो लियो और टाइग्रिस है ये दोनों स्पीसीज है, और ये कौन से जीनस के अंदर आते हैं, तो पेंथेरा। सेम पढ़ेंगे जीनस, तो जीनस क्या है, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ द जेनेरा, मतलब हमने देखा था ना कि उसमें डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर रहेंगे सारे, मतलब सेम ही कैरेक्टर रहेंगे, जो फंडामेंटल बेसिक कैरेक्टर सेम रहेंगे। जैसे लायन के बीच में एक फंडामेंटल कैरेक्टर सेम रहेंगे, मगर लायन जैसा और ही कौन सा एक एनिमल है, तो टाइगर है, तो ये दोनों का जीनस एक होगा। जैसे लायन और टाइगर में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, तो इसका जीनस एक ही होगा। एग्जाम्पल पोटेटो टोमेटो ब्रिंजल आर थ्री डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम। तो ये जो सोलेनम जीनस के ये ना, ये पोटेटो टोमेटो और ब्रिंजल में अपने आपने पढ़ा ना, ट्यूबरजम और ये नाइग्रिस, ये सब सोलेनम जीनस के अंदर ही आएंगे। इसी का भी मैंने एक टेबल दिया है कि उसका टैक्सन क्या है, प्लांट और एनिमल में उसके एग्जाम्पल क्या है। तो टैक्सन क्या है कि इट इज द फर्स्ट हायर कैटेगरी अबव द स्पीसीज लेवल। तो जीनस क्या है, स्पीसीज से के ऊपर वाली एक नई कैटेगरी है, और उससे हायर कैटेगरी है। इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच आर रिलेटेड एंड हैव फ्यूअर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन एज कम्पेयर टू स्पीसीज, मतलब जो स्पीसीज में जितने कॉमन कैरेक्टर्स रहेंगे ना, उससे कम कैरेक्टर रहेंगे इसमें सिमिलरिटीज के। ठीक है, तो प्लांट में एक एग्जाम्पल में देखेंगे, फैमिली सोलानेसी के अंदर कौन सा जीनस होगा, सोलेनम। ऐसे ही फेलिडे के अंदर कौन सा जीनस होगा, पेंथेरा एंड फेलिस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम फैमिली। तो फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, मतलब जो स्पीसीज दो स्पीसीज के बीच में जो सिमिलरिटीज होगी वो जीनस में नहीं देखने को मिलेगी, जीनस में होगी वो फैमिली में नहीं देखने को मिलेगी। जैसे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सेम थे इसीलिए हमने स्पीसीज बोला, अगर बहुत सारे स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स सेम रहेंगे उससे एक जीनस बना, बहुत सारे जीनस ने मिलकर फैमिली बनाया। बेसिस ऑन द बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीसीज एक फैमिली बनती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट जेनेरा सोलेनम पेट्यूनिया एंड दतुरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर सोलेनम पेट्यूनिया और दतुरा ये तीन जीनस को मिलाएंगे, तब जाके एक फैमिली बनती है सोलेनेसी। तो ये तीनों जीनस के बीच में कुछ सिमिलरिटीज होंगी, उस सिमिलरिटी के कैरेक्टर्स के आधार पे एक फैमिली बनाई गई जिसका नाम है सोलेनेसी। एमोंग द एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पेंथेरा, तो पेंथेरा के अंदर क्या क्या आएगा, लायन टाइगर और लियोपर्ड, ये पेंथेरा के अंदर पेंथेरा जीनस के अंदर आता है। और फेलिस जीनस के अंदर क्या आता है, कैट्स। तो जो लायन टाइगर और लियोपर्ड का एक जीनस अलग है और कैट्स का जीनस अलग है, मगर उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है, तो उसका एक ग्रुप बनाने के लिए हमने क्या बनाया, फैमिली फेलिडे। तो फैमिली है वो बहुत सारे जीनस के सेम कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक ग्रुप बनाया है, उसको हम फैमिली कहेंगे। तो ऐसे ही मैंने सेम एक फैमिली के एग्जाम्पल्स दिए हैं। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है,
ऑर्डर में एक हमें लाइन खास याद रखनी है कि हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर में जो एग्रीगेशन होगा ना, जैसे ज्यादा ज्यादा वैसे उसका एक ऑर्डर बनेगा। मैं पहले समझाता हूँ कि यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे ऐसे एक उसका एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसके हिसाब से उसको एक नाम दिया जाएगा। जैसे बहुत सारी फैमिलीज होती है ना, उसके जो सेम बहुत सारी अलग अलग फैमिली में जो सेम कैरेक्टर देखने को मिलेगा, उससे हम एक ऑर्डर बनाएंगे, उससे एक ऑर्डर बनेगा। यह है असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, मतलब बहुत सारी फैमिलीज का असेंबलेज होगा, मतलब बहुत सारी फैमिली को ग्रुप में डालेंगे तब जाके मिलेगा एक ऑर्डर। उसके एग्जाम्पल में एक प्लांट के एक एग्जाम्पल को दिया है, जैसे तीन फैमिली है, कन्वोल्वुसेसी, सोलनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलिमोनियल्स, मतलब जो दो कन्वोल्वुसेसी और सोलनेसी ये तो जो फैमिली है उससे मिला के एक ऑर्डर बनाया है पॉलिमोनियल्स। वो किस बेस्ड पे, कि मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, इसके जो फूल का जो कैरेक्टर्स है, इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग उसको एक ग्रुप में डाला गया है और उस ग्रुप को ऑर्डर कहेंगे। उस ग्रुप का नाम क्या है, पॉलिमोनियल्स। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे। तो जो एनिमल ऑर्डर है ना, कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब जो जो मांस खाते हैं वैसे वाला, जो एक पूरा ऑर्डर बना है उसमें कौन सी फैमिली आती है, फेलिडे एंड कैनिडे। फेलिडे मतलब सारे कैट्स, मतलब उसमें लायन भी आ जाएगा और सारे कैट्स भी आ जाएंगे, और कैनिडे मतलब डॉग, जिसमें डॉग्स है, वुल्व्स है, फॉक्स है, ये सब आ जाएंगे। ऐसे ही मैंने सेम आप लोगों को समझाने के लिए ये एक और टेबल बनाया है, इसमें आप ये टेबल के हिसाब से याद रख सकते हैं टैक्सन क्या है, प्लांट में कौन सा एग्जाम्पल है, एनिमल में कौन सा एग्जाम्पल है, उसके ऊपर मतलब बहुत सारे ऑर्डर बना मिलके क्या बनाते हैं, क्लास। कि दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेट आर कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास ममेलिया, अलोंग विथ ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग एटसेट्रा। क्लास ममेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, मतलब जो क्लास ममेलिया है ना, तो उसके अंदर हम कौन से ऑर्डर को डालेंगे, कि जो ममेलिया क्लास के अंदर जितने भी जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, मतलब जो दूध पिलाते हैं ना, उस सबको क्लास ममेलिया के अंदर डालेंगे। तो दूध कौन कौन अपने बच्चों को देता है, उसमें तो टाइगर, कैट और डॉग भी आ जाएंगे, जितने कार्निवोरस है वो भी आ जाएंगे, और जितने भी प्राइमेटा थे, प्राइमेटा मतलब गोरिल्ला है, गिब्बन है, ह्यूमन है, ये भी आ जाएंगे। तो ये सब जो एक सिमिलरिटीज है ना उसमें, कि कौन कौन अपने जिसमें मेमोरी ग्लैंड किस किस में प्रेजेंट है, कौन कौन अपने बच्चों को दूध पिलाता है, वो सारे आएंगे क्लास में ममेलिया में। तो इसमें सारे फिर से मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं कि टैक्सन क्या है, कि रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। प्लांट में क्या है, कि फाउंड ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज मोनोकोटाइलिडोनिया एंड डाइकोटाइलिडोन। तो ये दोनों जो प्लांट के एग्जांपल है, और जो क्लास ममेलिया जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है वो एनिमल का एग्जाम्पल है। फिर आता है फाइलम, बहुत सारे क्लास मिला के फाइलम बनाएंगे। तो क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। ये सारे एनिमल्स हम जितने सोच सकते हैं उतने सारे बना, जैसे फिशेज हो गए, एम्फीबायंस हो गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स विद द मैमल्स, मतलब सारे एनिमल्स मिला के एक कैटेगरी बनाएंगे फाइलम। कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में हम सब आएंगे, मतलब हम मतलब सारे रेप्टाइल्स भी आएंगे, एम्फीबायंस भी आएंगे, बर्ड्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, ह्यूमन्स भी आएंगे, सारे। तो इन सब में एक फाइलम में ऐड किया है, कौन सी फाइलम में इन सबको ऐड किया है, तो फाइलम कॉर्डेटा में। तो कॉर्डेटा में क्या होता है, कॉर्डेटा का एक डिस्टिंक्टिव फीचर रहता है कि जैसे जिसके भी पीछे ब्रेन से लेके पीछे तक जितने भी स्पाइनल कॉर्ड जाता है वो एक होलो स्ट्रक्चर के अंदर फिट होता है, जैसे हमारा वर्टेब्रल कॉलम के अंदर पूरा स्पाइनल कॉर्ड रहता है, तो उन सबको कॉर्डेटा में डाला गया है। ठीक है, इसका भी मैंने एग्जाम्पल और ये एक टेबल बना के आप लोगों को दिया है। फिर हम पढ़ेंगे किंगडम। तो किंगडम तो बहुत ही ऊपर की चीज हो गई। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, मतलब किंगडम एनिमलिया के अंदर सारे वो एनिमल्स आएंगे जो एनिमल्स के रिलेटेड है। ठीक है, बाकी दूसरी एक किंगडम रहेगी प्लांटे। द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स ऑफ वेरियस डिविजन। तो सारे एनिमल्स होंगे वो एनिमल किंगडम में आएंगे, जो प्लांट है वो प्लांट किंगडम में आएंगे। आगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे, वो उसके बाद डीप में हम देखेंगे। तो आप देख लीजिए कि टैक्सा क्या होता है किंगडम का, कि दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन विच इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कॉमन कैरेक्टर्स।
मतलब जिसमें डिस्टिंग्विशिंग कॉमन कैरेक्टर्स कुछ रहेंगे और वो कैरेक्टर्स बहुत मतलब बहुत सिमिलर नहीं रहेंगे, बहुत डिसिमिलर रहेंगे। मतलब इसमें सारे मैमल्स भी आएंगे, कार्निवर्स भी आएंगे, सारे इसमें आएंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या है, हमने प्लांट में पढ़ा है किंगडम प्लांट है और एनिमल्स के लिए किंगडम एनिमलिया। अब ये चार्ट एनसीईआरटी ने एक दिया है, इसको हमें पक्का याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने चार एग्जाम्पल दिए है और उसके बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम, ये सारे उन्होंने दिए हुए हैं। तो इसमें कौन से हैं, मैन है, हाउस फ्लाई है, मैंगो है और वीट है। तो मैन हम अपने बारे में पहले पढ़ते हैं, होमो सेपियंस हमारा बायोलॉजिकल नेम है, होमो है जीनस और ये है स्पीसीज, इसका जीनस है होमो और स्पीसीज है सेपियंस। और फैमिली कौन सी है, होमिनिड है। ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, क्लास है मेमेलिया और फाइलम और डिवीजन है कॉर्डेटा। तो वैसे ही उन्होंने जो डिवीजन फाइलम के अकॉर्डिंग अलग अलग जो फाइलम और डिवीजन के हिसाब से और अलग अलग जो डिवीजन चार हमें एग्जाम्पल दिए, ये एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है नहीं, आपको ये अच्छी तरह से याद करना होगा। अब इसमें बता दूँ अगर आपको कुछ ऑर्डर्स में, जैसे ऑर्डर डिप्टेरा, ये ऑर्डर देख लीजिए डिप्टेरा है, तो डिप्टेरा क्या ऑर्डर है, जैसे हाउस फ्लाइज के सारे ऑर्डर में उसके एग्जाम्पल मैंने दिया है, पिक्चर आपके लिए मैंने यहाँ पे दिखाई है। तो ऑर्डर डिप्टेरा में क्या क्या आएगा, हॉर्स फ्लाई भी आएगा, मॉस्किटो भी आएगा और फ्लैश फ्लाई भी आएगा। ये तो सिर्फ आपके सीखने के लिए है या फिर देखने के लिए है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर प्राइमेटा में क्या आएंगे, हर चीज़ आएगी, जैसे ह्यूमन भी आएगा, फिर गोरिल्ला भी आएगा, चिंपांजी भी आएगा, ये सब आएगा ऑर्डर प्राइमेटा में। अब हमें पढ़ना है टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, जो टेक्सोनॉमिकल स्टडी रहती है ना, उसको पढ़ने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको हम टेक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। एड्स क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी चीज़ काम करने के लिए, कोई आपको पर्टिकुलर स्टडी करनी है उसके में जो जो इंस्ट्रूमेंट आपकी हेल्प करेंगे उसको हम टेक्सोनॉमिकल एड्स बोलेंगे, उसको एड्स बोलेंगे। और इसमें जो टेक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए यूज़ करते हैं उसको टेक्सोनॉमिकल एड्स बोलेंगे। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स आर कलेक्शन ऑफ सैंपल्स और प्रिजर्व ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। मतलब किसी भी टेक्सोनॉमिक हायरार्की के लिए जो हमारे पास कोई सैंपल्स होंगे या प्रिजर्व ऑर्गेनिजम्स होंगे उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे, इसको हम बोलेंगे टेक्सोनॉमिकल एड। जैसे हमारे पास एक प्रिजर्व कोई लीफ है, किसी लीफ को हमने प्रिजर्व किया है, तो वो लीफ को हम फ्यूचर में किसी और पेड़ के साथ कंपेयर करके से देख सकते हैं कि ये क्या ये यही पेड़ है, तो ये लीफ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख के हम उसको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब टेक्सोनॉमिकल एड्स में हमें कुछ पढ़ना है, पहले तो हर्बेरियम पढ़ेंगे। तो हर्बेरियम क्या है, कि हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ अ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड प्रेस्ड प्रिजर्व ऑन शीट्स। तो हर्बेरियम हमें थोड़ा बनाने भी है, यहाँ पे जब आप क्लास स्कूल में पढ़ने आओगे तब मैं आपको बताऊंगा हर्बेरियम बनाते कैसे है, हमें कुछ उसके प्रैक्टिकल्स भी करना है। ठीक है, तो हर्बेरियम क्या होता है कि जो किसी भी लीव्स या प्लांट के किसी स्पेसिमेंट को लेके पहले उसको ड्राई किया जाता है, पहले ड्राई किया फिर उसको प्रेस किया जाता है और उसके बाद उसमें शीट में उसको प्रिजर्व किया जाता है। इसको ड्राई कैसे करते हैं, जैसे आप घर पे कुछ बनाना है हर्बेरियम, तो आप किसी भी एक पेड़ की टहनी को या तो फिर एक लीव्स को या फिर कोई फ्लावर को आप एक दो न्यूज़पेपर के बीच में रख दो, उसको प्रेस कर दो अच्छे से, बहुत सारी बुक्स उसके ऊपर रख दो तो वो प्रेस हो जाएगा। 2-3 दिन बाद उसको फिर वहाँ से निकाल के नए पेज में रख देना है, ऐसे आप वो पूरा ड्राई होने के बाद उसको आप एक शीट पे चिपका दोगे तो वो हर्बेरियम बन गया। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर इस शीट्स को हमें अच्छे से अरेंज करना है, कौन से किस तरह से अरेंज करना है, कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो हमें ICBN ICZN की गाइडलाइन के हिसाब से हमें उसको अच्छे से अरेंज कर देना है। फिर दीज स्पेसिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शंस ऑन हर्बेरियम शीट्स बिकम अ स्टोर हाउस और डिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़। तो इस स्पेसिमेन में हम उसमें थोड़ी उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, इसका लैटिन नेम क्या है, इसके ऑर्डर क्या है, इसका फाइलम क्या है, हर चीज़ लिखेंगे। फिर उसका हैबिटेट क्या है, उसका मतलब केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये सब हम हर्बेरियम में यूजुअली मेंशन करते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया कि हर्बेरियम कैसे होता है। तो एक पेपर की शीट है, उसके ऊपर ये जो प्लांट है ना, वो ड्राई और कंप्रेस किया हुआ प्लांट है, वो प्लांट लगाया हुआ है और उसकी थोड़ी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें ये जो हर्बेरियम बना है वो छोटा है, इसमें बहुत ही कम डिटेल दी है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्टेपल किया है कि उसकी जो डिटेल्स है वो इसमें अलग से स्टेपल की हुई है। तो ये एक हर्बेरियम है, ऐसे ही पूरी बुक बनती है या तो फिर पूरा एक प्रोजेक्ट बनता है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे उसके लीव्स या फ्लावर्स, उसके कैटेगरीज, उसका मतलब पूरा जो डायग्राम्स दिए हुए हैं वो भी साथ में ऐड करते हैं।
ऐसे हर्बेरियम बनता है। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा टैक्सोनॉमिकल एड, यह है बोटनिकल गार्डन। तो बोटनिकल गार्डन क्या है कि दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंसेस। तो इसमें हर्बेरियम में क्या थे, ड्राई प्लांट्स थे, यहाँ पे लिविंग प्लांट्स है। तो बोटनिकल गार्डन हम घर में तो रख नहीं सकते, पूरा गार्डन बनाना पड़ेगा, बड़े बड़े पेड़ों का और जैसे लेके छोटी सी हर्ब या श्रब, ये सबको उगाया जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस में, उनको एक मार्क दिया जाता है और उनकी डिटेल वहाँ पे लिखी जाती है, इसको बोलते हैं बोटनिकल गार्डन। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल और साइंटिफिकल नेम एंड इट्स फैमिली। मतलब प्लांट को उगाने के बाद एक पर्टिकुलर प्लेस पे उस पर एक बोर्ड लगाया जाता है, एक लेबल लगाया जाता है जिसमें उसका बोटेनिकल नेम होगा, उसकी फैमिली होगी और थोड़ी बहुत डिटेल होगी। द फेमस बोटेनिकल गार्डन बोटनिकल गार्डन आर एट क्यू, इंग्लैंड में जो बोटनिकल गार्डन है ना वो बहुत फेमस है। दूसरा है इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा, कलकत्ता में, हावड़ा में मतलब बहुत बड़ा अपना बोटनिकल गार्डन है। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में भी है, ठीक है। ये तो ये एग्जाम्पल के लिए खाली। बोटनिकल गार्डन कैसा रहेगा, जैसे ये एक प्लांट है तो उसके पास में एक प्लेट लगाई होगी जहाँ उसका नाम लिखा होगा और उसकी फैमिली नेम वगैरह होगी, ये सब बोटनिकल गार्डन के फोटो है। फिर पढ़ेंगे म्यूजियम। तो म्यूजियम क्या है, म्यूजियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिफिक फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेज। तो इसमें कलेक्टेड जो डेड प्लांट और डेड एनिमल्स रहेंगे उसका कलेक्शन रहेगा, उसको म्यूजियम बोलेंगे, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिफिक्स में ऑल्सो बी प्रिजर्व एंड एज ड्राई स्पेसिमन। मतलब बहुत सारे प्लांट और एनिमल के जो स्पीसीज है उसको ड्राई करके या फिर उसके अंदर जैसे उसकी स्किन निकाल के उसके अंदर पूरा वो भूसा वगैरह भर के उसको मतलब रखा जाता है म्यूजियम में। कई बार इस तरह से भी रखा जाता है, जैसे ये जो बटरफ्लाई के आप देख रहे हो, बटरफ्लाई है, जो दूसरे फ्लाइज है, मॉस्किटोज, आंट्स है, तो फ्लाइंग आंट वगैरह जो है, तो इसको पूरा ड्राई करके उसको एक हमने देखा कि अच्छी तरह से लगाया हुआ है, उसके नेमिंग दिया हुआ है, उसकी फैमिली का नाम भी नीचे लिखा हुआ है। और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये जो मतलब फॉक्स है, ये जो बियर है, इन सब की जो स्किन है वो ऊपर की स्किन को अंदर से भर के, मतलब जो डेड एनिमल रहेंगे उसके अंदर के पूरा ऑर्गन्स निकाल के, बोन्स निकाल के, उसके अंदर जो भूसा वगैरह भर के, इसके एक पूरा मेथड रहता है प्रिजर्वेशन का, उसे प्रिजर्व करके इसको म्यूजियम में रखा जाता है। ऐसे जैसे ये डायनासोर और ह्यूमन की स्केलेटन है उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, इनके ऊपर कुछ केमिकल्स वगैरह प्रयोग करके इसको प्रिजर्व किया जाता है। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे चौथा एड है हमारा जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या है कि जो हमने डेड एनिमल्स को प्रिजर्व करके जो रखा था वो था म्यूजियम। यहाँ पे जो लाइव एनिमल है उसके जो उसको जहाँ पे रखेंगे उसको बोलेंगे जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क किसको बोलते हैं कि दिज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन एंड प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर। मतलब प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में ह्यूमन केयर में रखेंगे, इंसानों के केयर में उसे रखेंगे, एंड विच एनेबल्स अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। तो हम आइडेंटिफिकेशन ही खाली पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके फूड हैबिट्स क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, ये सब भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लाइव एनिमल चाहिए। तो लाइव एनिमल को एक पर्टिकुलर, जैसे पिंजरे में हम रखते हैं ना शेर को, तो उसी से हम पता चलेगा शेर क्या खाता है, उसका फूड हैबिट्स क्या है, उसका स्लीपिंग टाइम कितना है, वो कितना दौड़ता है, क्या है, कितना जंप कर सकता है, ये सब तो हम कंप्लीटली ऑब्जर्व करके ही बोल सकते हैं। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशंस सिमिलर टू दे नेचुरल हैबिटेट्स। मतलब सभी एनिमल्स को उसका जो नेचुरल हैबिटेट रहेगा ना, जैसे ठंडे एरिया से किसी एनिमल को लाया है तो यहाँ उसको ठंडा, उसका जो पर्टिकुलर जो सेल है उसको ठंडा बनाया जाएगा, उसमें एसीज रखेंगे या बर्फ की मतलब व्यवस्था करेंगे। तो जितने हो सकता है उतने एज फार एज पॉसिबल उसके सारे जितने भी उसके जो नेचुरल हैबिटेट्स ना उसकी तरह उसके कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क कॉमनली कॉल्ड जूज। इसको हम ज़्यादातर कॉमनली इसको जू बोलते हैं जहाँ पर बच्चे विजिट करने जाते हैं, जैसे ये राइनोसोरस राइनो है और राइनो को हम जैसे यहाँ देखने जाते हैं। अब सबसे लास्ट वाला आज का टॉपिक है की क्या है। जैसे किसी भी दो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है तो एक पर्टिकुलर की रखना होगा कि अगर ये की इसमें प्रेजेंट है तो ये इस कैटेगरी में जाएगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो इस कैटेगरी में जाएगा। तो की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। इसके अंदर ये की है तो ये इस कैटेगरी में जाएगा, इसके अंदर की नहीं है तो ये इस कैटेगरी में जाएगा। द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैटेगरीज कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। तो कीज है ना वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड रहेगा और जनरली ये कपलेट में रहेगा, पेयर कॉल्ड कपलेट, एक पेयर में ही होगा। जैसे दो
एक की है, उसमें दो ऑर्गेनिज्म लिया है, तो एक कपलेट में ही हो रहेगा कि इसमें या तो यस या तो फिर नो। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस, मतलब दो ऑपोजिट ऑप्शंस रहेंगे। जैसे ये लायन है तो कैसा होना चाहिए, अगर ये ह्यूमन है तो कैसा होना चाहिए, तो ये की किससे साथ मैच करेगी। जैसे ह्यूमन की कोई की रखी है, उसमें लायन और ह्यूमन दोनों रखे, तो अगर ये ह्यूमन के साथ मैच होती है तो मतलब ये ह्यूमन है, लायन के साथ मैच होती है तो लायन है। ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड एज लीड। जैसे ये पॉजिटिव एक स्टेटमेंट आता है ना, तो उसको एक लीड बोलेंगे, इससे एक स्टेप वो आगे जाएगा क्लासिफिकेशन के। मैं अभी इसके बाद एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि की कैसे काम करती है। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। जैसे जीनस के लिए एक अलग की रहेगी, फैमिली के लिए एक अलग की रहेगी, स्पीसीज के लिए एक अलग की रहेगी, कि मतलब ये स्पीसीज है तो इसकी ये की है, इसमें अगर ये यस है तो ही वो ये स्पीसीज में माना जाएगा। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। कीज है ना, वो एनालिटिकल इन नेचर क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ एनालाइज करता है कि ये स्पीसीज के लायक है या नहीं, तो इस तरह का एनालिसिस की देता है, तो इसलिए उसको एनालिटिकल इन नेचर बोलते हैं। अब और थोड़ी चीज़ें हम पढ़ेंगे, फ्लोरा, मैन्यूल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटालॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो फ्लोरा, मैन्यूल्स, मोनोग्राफ्स, कैटालॉग्स, ये सब भी हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का करेक्ट डिस्क्रिप्शन करने में या करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है। तो फ्लोरा क्या है, कि फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया, दिस प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट्स एंड स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो फ्लोरा क्या है, कि फ्लोरा एक डिस्टिंक्ट, एक अलग से एक हैबिटेट को ही वो वहाँ पे मेंशन करेगा, कि उस हैबिटेट में कितने कौन से स्पीसीज अवेलेबल है, कौन से प्लांट उस अवेलेबल है उस पर्टिकुलर फ्लोरा में, पर्टिकुलर एरिया में। मैन्यूल्स क्या है, क्या आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, अ बुक गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैन्यूअल मतलब आपको पता होगा, जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें कैसे मैन्यूअल होती है, तो वैसे ही मैन्यूअल्स बनाए जाते हैं, कि ये जो अगर आप बियर के मैन्यूअल देख लो, तो पर्टिकुलर एरिया में ही बियर पाया जाएगा, तो ये इस तरह से हो। उसकी लायन के मैन्यूअल देख लो, तो लायन एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाएगा, तो ये उसका एक मैन्यूअल हो गया। मोनोग्राफ क्या है, कंटेंट्स इन्फॉर्मेशन ऑन एनी और वन टैक्सोन, अ डिटेल्ड रिटर्न स्टडी। मोनोग्राफ मतलब पर्टिकुलरली, जैसे लायन है तो उसके नाखून कैसे होगी, उसकी स्किन को कैसी होगी, उसके पर्टिकुलरली मोनोग्राफ में लिखा होगा, उसके जो डिटेल स्टडी होती है ना, डिटेल रिटर्न स्टडी, उसको मोनोग्राफ बोलते हैं। अब की क्या है, एक की को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, कि हमने दो दो ऑर्गेनिज्म लिए, एक लिया सेलामेंडर, दूसरा लिया लिजार्ड। तो इसमें से हम एक की रखेंगे कि भाई चलो इसको आइडेंटिफाई करना है, तो पहले सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से लिजार्ड कौन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो सेलामेंडर है होती है, उसकी ड्राई स्किन नहीं होती, लिजार्ड की ड्राई स्किन होती है, तो किस में यस आया, लिजार्ड में यस आया, सेलामेंडर में नो आया। तो अगर नहीं है ड्राई स्किन तो ये सेलामेंडर है, अगर है तो वो है लिजार्ड। अब फिर हमने रखा लिजार्ड और टाइगर को, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, हेयर्स से। तो अगर इसमें हेयर्स नहीं है तो मतलब वो लिजार्ड है, वो बाहर निकल गया, अगर हेयर्स है तो वो है टाइगर। इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइगर और गोरिल्ला, दोनों में हेयर्स तो है ही, तो फिर इसमें अगर डिस्टिंक्टिव की हमें कौन सी डालनी पड़ेगी, कि ऑपोजेबल थम्स है कि नहीं, पकड़ने के लिए ग्रिप वाले थम्स किस में है, तो वो टाइगर में है तो नहीं है, गोरिल्ला में है तो कहाँ उसमें ऑपोजेबल थम्स है। तो अब फिर हम डिस्टिंक्टिव फीचर ढूंढेंगे, की ढूंढेंगे किसकी, ह्यूमन की और गोरिल्ला की। तो गोरिल्ला और ह्यूमन में क्या है, दोनों में जो जो ऑपोजेबल थम्स तो दोनों में है, तो अब फिर एक और की हम डाल देंगे ह्यूमन के लिए, कौन सी, बाइपेडल। तो गोरिल्ला बाइपेडल है तो नहीं है, वो दो पैर से नहीं चल सकता। ह्यूमन बाइपेडल है, हाँ है, वो दो पैर से चल सकता है, तो ये होगा ह्यूमन का आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ हर एक इंसान, हर एक स्टेज के लिए एक अलग की दिया है, जैसे बाइपेडल की किसके लिए, ह्यूमन के लिए है, ओपोजेबल थम्स किसके लिए, ह्यूमन और गोरिल्ला दोनों के लिए है। हेयर वाले कौन से है, तो ये टाइगर, गोरिल्ला और ह्यूमन तीनों के लिए ये की काम करेगी। और ड्राई स्किन किसके लिए काम करेगी, तो वो लिजर्ड के लिए, टाइगर के लिए, गोरिल्ला के लिए, ह्यूमन के लिए, ये सारे के लिए जो ड्राई स्किन वाली की है वो काम करेगी। तो ये हो गया की, और यहाँ हमारा खत्म होता है चैप्टर वन। तो इस सबको आपको फिर से ये वीडियो एक या दो बार देखना है और फिर इसको रिवाइज करना है। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर खत्म। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।